दोस्तों इस वीडियो में हम ENG 101 के जो मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं वो करेंगे और मैं आपको सब बताऊंगा और करवाऊंगा। और अगर आपको इसके हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप डायरेक्ट मेरे से इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो वैसे वो MCQs हैं जो कि रिपीटेड बार बार आ रहे हैं आज के क्विज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वैसे जो सबसे पहला MCQs है, द प्लूरल ऑफ वर्ड कैक्टस इज कैक्टसाई। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? डेफिनेटली गाइज ये फॉल्स है। तो आपको कोई ना कोई वर्ड दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसका प्लूरल क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक्स पूछे जा रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे MCQs पूछे जा रहे हैं जो कि आप फौरन जब आप क्विज दे रहे हो फौरन गूगल करके भी देख सकते हैं। तो आपने इसके लिहाज से ज़रा भी परेशान नहीं होना। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें जो मैंने आपको बताया ना, जो सही स्पेलिंग वाला है आपने वो उसको मार्क करना है। आप ये चीज़ें गूगल करके भी देख सकते हैं, राइट। उसके बाद गाइस जो तीसरा MCQs है, राइट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन एडजेक्टिव्स। तो काइंड की जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो है काइंडर, राइट। और अगर सुपरलेटिव आ जाए तो उसकी काइंडेस्ट है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एनहांस टू इंक्रीज है इसका मतलब, इसका जो आंसर है। उसके बाद गाइस सैड एंड मिस एबरेबल आर सिनोनिम्स। सैड और मिस एबरेबल का एक ही मतलब होता है, अफसुर्दा। तो इसका ये सिनोनिम है, आपस में सिनोनिम कहते हैं जो एक जैसे मतलब रखते हो। दिस इज नोइंग टुडे डैश देयर आर नो बसेस एंड आई कांट कम टू स्कूल। तो इसका जो इसमें जो आएगा वो वेयर एज आएगा। उसके बाद गाइज रीअरेंज एंड फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंस इन अ सिंपल प्रेजेंट। यू आस्क अ क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर है यू आस्क डिड नॉट, जो इसका पहला ऑप्शन है ये वाला यू डिड नॉट आस्क, वो गाइज बेसिकली ये वाला वो ये गाइज बेसिकली जो पहला ऑप्शन है वो पास्ट इंडेफिनिट है, जो इसने जो कहा वो सिंपल प्रेजेंट कहा, तो वो दूसरा होगा। उसके बाद गाइस एन इफेक्टिव पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ टॉपिक सेंटेंस मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल्स ट्रू। तो गाइस ये वाला MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बार बार आ रहा है। उसके बाद गाइस द पैराग्राफ यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डिटेल मेन आइडिया मेन टॉपिक सेंटेंस ऑल ऑफ द अबव, सब मौजूद होते हैं एक पैराग्राफ में। तो लास्ट MCQs गाइस वो ये है, रीअरेंज एंड फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंस इन अ सिंपल प्रेजेंट वी डैश अ माउंटेन क्लाइम। तो गाइस इस तरह का MCQs पहले भी आया था ये वाला, अब सेम इस तरह का एक और ये आ गया। आप देख सकते हैं सेम MCQs एक जैसे ही रिपीट हो रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो है वी क्लाइंब अ माउंटेन। तो आई होप गाइस आपको MCQs क्लियर होंगे। इसके लिए ऐसे कोई भी कन्फ्यूजन हो आप डायरेक्ट मेरे से इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, उसका नाम और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। Thank you so much guys, you all have a good day.